हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम प्रेप ऑफिशियल। ये हमारी वीडियो का पार्ट 3 है। इसमें हम 11, 12, 13, 14, 15 नंबर के कॉलेजेस करने वाले हैं। इससे पहले भी हम कॉलेजेस कर चुके हैं। हम देखेंगे रैंक वर्सेस कॉलेज का राउंड 1 और राउंड 2 के लिए। चलिए आइए देखते हैं। मद्रास मेडिकल कॉलेज हमारा रह गया था। मद्रास मेडिकल कॉलेज चेन्नई में जो उसकी 755 रैंक तक गई थी फर्स्ट राउंड में जनरल के लिए, EWS 2709 रैंक पर बंद हो गया था फर्स्ट राउंड में। फर्स्ट राउंड में अगर OBC की बात की जाए तो 979 रैंक पर बंद हुआ था। SC और ST की रैंक्स ये दी हुई है। हम बात करते हैं राउंड 2 की। आप देख सकते हैं ऊपर राउंड 2 दिया है। तो राउंड 2 कहाँ है, एक सेकेंड, ये है राउंड 2। 5906 पे EWS था और जनरल तो सीट मिली नहीं थी। और ये OBC की रैंक है, ये SC की है और ये ST की है। हम बात कर लेते हैं बेंगलोर मेडिकल कॉलेज की। रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है 957 रैंक पर अनरिजर्व्ड बंद हो गया था। 3000 रैंक पर EWS, 2600 रैंक पर OBC और 18000 रैंक पर SC और ST बंद हुआ था। 21000 लगभग इतनी रैंक पर, 21000 पर। राउंड 2 की बात करें 2204 रैंक पर वो गया था। देखें आप कहां से कहां चला गया। यहां 957 है और यहां 2000 है, तो काफी जंप कर जाती राउंड 2 में रैंक। ये 2214 रैंक पर बंद हो गया था जनरल में। EWS में 3500 रैंक पर, OBC में 4500 पर और SC में 35000 रैंक तक बात चली गई थी। हम बात करते हैं KGMC किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ में जो है, काफी अच्छा कॉलेज है। 987 रैंक तक जनरल में मिला था फर्स्ट राउंड में। उसके बाद 1700 रैंक EWS के लिए, 1900 रैंक OBC के लिए, 18000, 32000 ये SC और ST की रिस्पेक्टिवली दी हुई। ये SC की है, ये ST की है। राउंड 2 में देखा जाए तो 1600 रैंक तक गया था अनरिजर्व के लिए। फिर ये EWS की रैंक दी हुई है, फिर OBC की, ये SC की, ये ST की। हम बात करते हैं अगले की, NDMC मेडिकल कॉलेज दिल्ली। 1000 रैंक के ऊपर चली गई थी इसमें फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग, और 1681 रैंक तक वो गया था आपकी EWS। और अगर हम उसकी बात करें, एक सेकंड, उस ये वाला आपका उसका OBC का ऊपर देख लेते हैं हम, ये वाला OBC का है। हाँ, OBC की बात करें तो 1800 रैंक तक गया था, 14000 रैंक तक SC और 37000 तक ST जा चुका है। सेकंड राउंड में थोड़ा बढ़ गया था 1118 तक अनरिजर्व्ड। उसके आगे की रैंक्स ये देख सकते हैं आप, ये दी हुई है। हम इसके बाद बात करते हैं, उसके आगे हम बात करते हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कोझीकोड की। अनरिजर्व ने 1056 रैंक तक गया था फर्स्ट राउंड, और फर्स्ट राउंड में ये गई थी EWS की रैंक, ये है आपके OBC की रैंक और ये SC की, ये ST की रिस्पेक्टिवली। सेकंड राउंड की बात करें तो अनरिजर्व 2400 तक, यानी 2500 रैंक तक गया था, 2500 तक। एंड EWS गॉन थ्रू 12000 रैंक। और अगर OBC की बात की जाए वो 3000 रैंक तक गया था। SC ST रिस्पेक्टिवली ये दी हुई है, ये देख सकते हैं आप। तो फ्रेंड्स, हमने आपको काफी सारे कॉलेजेस बता दिए हैं। अब इसके बाद हम अगली वीडियो में पार्ट 4 में कॉलेजेस बताएंगे। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर भी प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।